नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। घाघरा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के सैकड़ों ताना भगत महिला पुरुष गुरुवार को अंचल कार्यालय पहुंचे। प्रखंड कार्यालय के सभागार में ताना भक्तों की बैठक राजस्व उप निरीक्षक सुशील टोपो एवं अमित कुमार के साथ हुई। ताना भक्तों ने मौके पर भूमि से संबंधित जुड़ी समस्याओं, जिनका कागजात वे अंचल कार्यालय में जमा किया था, उसका अद्यतन स्थिति सहित अन्य कार्यों की जानकारी की बात कही। मौके पर राजस्व उप निरीक्षक सुशील टोपो ने उन्हें बताया कि जो आवेदन प्राप्त हुआ था उनमें 84 की संख्या में शून्य लगने का कार्य किया गया था। दाखिल, खारिज एवं उत्तराधिकारी का कार्य भी किया गया था, जिसको मौके पर टाना भक्तों को बताते हुए राजस्व उप निरीक्षक ने बताया। उन्होंने यह भी बताया कि अन्य कई कार्य लंबित है, क्योंकि कोरोना से संबंधित वैक्सीनेशन कार्य में कई राजस्व कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया गया था, जिसके कारण राजस्व कर्मियों द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा था। टाना भगत मेरा है, हम सरकार के निर्देश को सभी अनुपालन का समीक्षा को लेकर आए हुए हैं। आज तक टाना भगत का आज़ादी के 74 साल बीत जाने के बाद कितना सरकार आए, कितना सरकार गए, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण सभी अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक को विचार लेकर आए हुए हैं। आपका मुख्य बिंदु क्या है? मुख्य बिंदु है भूमि संपत्ति का अधिकार एवं बिजली से संबंधित का बातें, तो अन्य तरीका का जो आधार जो सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया है उसका पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं हो रहा है। बिजली, भूमि और सामाजिक स्तर से जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, यहाँ पर अनुपालन सरकार का आदेश का पालन सही रूप से नहीं हो रहा है, इस पर सही समीक्षा बैठक पर आए हैं। इस पर सही कार्रवाई का निर्देश किया जाए ताकि समाज में शांतिपूर्वक बना रहे। जो हम इनकर छोटा नागपुर में अधिकार जो बहन है से आई तुलुक जे कि टाना भगत कर कोई कोनो नी मिल है, जे कि हमार पितापुर का गढ़ा डोढ़ा नदी नला कांच क्यारी भूड़ू टीला बार बगीचा मार मजस इतना चीज आई थी। सतयुग दो पर तीर्थ कली युग चार युग हो गया, लेकिन चार युग में एक सुई कर काम नहीं कर रहे हैं। चल वह बात के हम जे भी CO BDO चाहे CA जो भी है उनके अथी करना है, जो कि हम इनकी चीज़ के आई तुलुक नहीं करें तो ऊपर तक से हम इनके चीज हम इनके जाग चाहिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।